अगर बात करेंगे एक्सेल में चार्ट्स के बारे में, चार्ट्स चार्ट्स एंड डायनेमिक चार्ट का टॉपिक जो हमारा पेंडिंग था, चलिए इसी चीज पे डिस्कस करते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं चार्ट्स के, पहले इस पे देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम चार्ट का यूज करेंगे क्यों, क्यों जरूरत है चार्ट। तो चलिए छोटा सा डेटा हम बनाते हैं, हम यहाँ पे मंथ और यहाँ पे हम सेल्स देते हैं, और यहाँ पे हम मंथ और सेल्स का एक छोटा सा डेटा आपके साथ बनाते हैं। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे चीज आ रही है, मैं फिलहाल चार्ट को हटा देता हूं। अब देखिए आपके सामने मंथ है, मंथ के नीचे आपके सेल्स है। अब यहाँ जो मंथ है हमारा, आप जो देख पा रहे हैं, इस मंथ के जो सेल्स है आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे कम सेल अप्रैल में हुआ है और सबसे ज्यादा सेल जनवरी, जुलाई और अगस्त में हुआ है। क्योंकि छोटा डेटा है इसलिए आप इजीली इसको क्या कर पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको बताना मुश्किल होगा कि कौन से महीने का सेल सबसे ज्यादा है, सबसे कम है या सिमिलर है, राइट? मुश्किल है ना सर महेंद्र जी? जी जी सर, जी सर। अब इसी को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में जब चार्ट लगाते हैं तो चार्ट यहाँ क्लियरली बता रहा है कि कौन से महीने का सेल सबसे ज्यादा है। जून सबसे ज्यादा है, मार्च सबसे कम है, मार्च और अगस्त के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? जी तो बेसिकली यही चार्ट के यूज है, कंपेयर करना, इजीली कंपेयर करना। और चार्ट आज से नहीं चला रहा है, ये बहुत पुराने जमाने से चला रहा है। पहले के जो रूलर हुआ करते थे उनकी तो मैथ इतनी अच्छी होती नहीं थी, तो उनके जो गणितज्ञ थे, उनके जो खजांची थे, वो उनको क्या करते थे, चीजें समझाते थे कि किस महीने लगान कब हुआ है, कौन सा युद्ध जीतने पे कितना फायदा हुआ है, कितनी सेना पे कितना खर्चा होगा, ये सब चीजें इसी तरह के स्तंभ में बता देते हैं। ओके okay? जी तो चलिए चार्ट्स के बारे में इजीली तरीके से जान। चार्ट की कलर अलग अलग कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। आपका एक आपका ये रहा अलग अलग कैटेगरी है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो मेरा डेटा है इस पे किस तरह का चार्ट लगेगा, तो आप क्या करेंगे, आप रिकमेंडेड चार्ट पे चले जाएंगे। रिकमेंडेड चार्ट आपके डेटा को रीड करके बताएगा कि कौन सा चार्ट इस पे लग सकता है, कैसा दिखेगा, ठीक है? जी, यानी कि सर रिकमेंडेड डाटा पर ऐसे है कि हमारा वो बताएगा कि इस पे ये लग सही जाएगा बात है, चार्ट। सजेशन हो, ऑटो सजेशन ना। समझे, ऑटो सजेशन टाइप का, जब गूगल में सर्च करता है ना जी उसी तरीके से आप क्लिक कीजिए, लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्लिक किया है, ओके किया, लग गया, ठीक है। अदरवाइज जी आप इंसर्ट में जाके अपने हिसाब से चार्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने कॉलम चार्ट की बात की तो कॉलम चार्ट लग गया। जैसे चार्ट लगाते हो, चार्ट को यहां से रिसाइज कर सकते हो, उठा के कहीं रख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिल्कुल, ओके। और जैसे चार्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ तीन चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले आपका प्लस का सिंबल, इसको बोलते हैं चार्ट एलिमेंट। इसमें आप चार्ट की एलिमेंट शो कर सकते हो, जैसे कि आप डेटा लेबल ला सकते हो, जैसे कि डेटा टेबल ला सकते हो, एरर बार ला सकते हो, लेजेंड ला सकते हो। लेजेंड यहाँ पे भी यह चीज क्या क्या करना है, टॉप बॉटम स्ट्रेट लाइन ला सकते हो। तो जो चीजें यहाँ पे लाना चाहो ला सकते हो, जो चीज हटाना चाहो यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। जी उसके बाद दूसरा आता है डिजाइन। हालांकि डिजाइन ऊपर भी यहाँ दिखता है आपको,
आप यहाँ भी डिजाइन को देख सकते हैं, कौन सा डिजाइन चार्ट को चाहिए। आप क्लिक करोगे, चार्ट आपको बताएगा कि ये डिजाइन है, जो चाहिए वो रख लीजिए। उसके बाद आती है फिल्टर, मतलब कि मैं चाहता हूँ कोई डेटा किसी मंथ का चार्ट है, मैं चाहता हूँ सबसे कम मार्च और अगस्त है, इसको मैं नहीं शो करना चाहता, तो फिल्टर पे जाइए और यहाँ मैंने कर दिया यहाँ से मार्च को अनचेक और यहाँ से अगस्त को अनचेक, और हमने यहाँ पे किया अप्लाई, तो ये देखिए यहाँ से हट गया। जी समझ गया, जी हट गया, तो ये चार्ट के एलिमेंट। समझ गया सर, कोई डाउट इसमें? अगले जी नहीं सर, इसमें चार्ट डाउट के नहीं। कुछ ट्रिक्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया, और इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, वाले चार्ट बना लिया, एक चार्ट हमने बना लिया, राइट। अब चार्ट बनाने के बाद रियलाइज हुआ कि एक फील्ड और टारगेट भी इसमें होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने टारगेट को ऐड किया और अपना टारगेट मान लीजिए फिक्स कर दिया, जो भी फिक्स करना है मुझे, एक ही हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मुझे अपने चार्ट पे इस टारगेट को ऐड करना है, तो क्या मैं दोबारा से चार्ट बनाऊं? दोबारा चार्ट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हमने फॉर्मेटिंग वगैरह कर रखे हैं, सेम फॉर्मेटिंग लेना मुश्किल हो जाता है ना सर। कर तो दिया वहां पे हम क्या करते हैं कि चार्ट पे जब क्लिक करते हैं तो आपको बताता है कि कहाँ कहाँ तक चार्ट आपका है, तो इसने बताया कि चार्ट आपका ये है। अब इसको लीजिए यहां से और नीचे की तरफ सीधे ड्रैग कर दीजिए, आ गया, जाएगा। ऐड हो जाएगा सर। तो सर टारगेट कहाँ दिखा रहा है सर ये इसमें? रहा ना टारगेट आपका, अच्छा, ठीक है। अब इसमें जैसे कि नहीं दिख रहा है कि कौन किसका है, तो आप जो है यहाँ पे एक्सिस टाइटल, नहीं एक्सिस टाइटल है लेजेंड, ठीक है ना, आ गया। और जी यहाँ पे डेटा लेवल, और डेटा लेवल में हमने बोल दिया आउटसाइड इनसाइड क्या चाहिए, मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मोर ऑप्शन आ जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कैटेगरी का नेम भी, यानी सॉरी सीरीज नेम यहाँ पे आ जाए, ठीक है, जी आ सकता है। ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे मैं चाहता जी हूँ जो मेरा टारगेट है ना, ये इस तरह से कॉलम चार्ट में नहीं, लाइन चार्ट में मैं चाहता हूँ कि दो तरह का चार्ट, हालांकि लगाते समय आप एक चीज डिसाइड है आपके पास है, तो आप सिलेक्ट करके इंसर्ट में ही आपको कॉम्बो चार्ट होता है, दिख रहा है कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो जी चार्ट आप यहाँ पे अलग से लगा सकते हो, ठीक है। हाँ सर, उसी में सर दूसरा है सर, कॉम्बो में आ गया है, हाँ मतलब कि कॉम्बो चार्ट मतलब लाइन और कॉलम चार्ट, कॉलम लाइन दोनों चार्ट, मिक्सअप कॉलम एरिया चार्ट एक मिक्सअप। साथ लगा सकते हैं, लेकिन मैं चार्ट तो लगा चुका हूँ, अगर मैं फिर से दोबारा लगाया तो सारी फॉर्मेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम जी सीरीज पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे, नहीं माफ कीजिए, यहाँ पे चेंज सीरीज टा चार्ट टाइप, दिख रहा है? तो जी इस पे आके यहाँ दिख रहा होगा टारगेट। अब टारगेट और सेल्स दोनों है, मुझे टारगेट को लाइन चार्ट करना है, तो लाइन में लिया एंड ओके कर दिया, ओके कर दिया, आपका लाइन चार्ट हो गया, ओके सर। जी जी सर अब यहाँ पे अगला आता है कि मेरे पास अगर दो टाइप का डेटा हुआ, जैसे कि ये सारे परसेंटेज में, किसमें है कि कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया, मैं डिवाइड करता हूँ, कितना परसेंट टारगेट अचीव हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके चार्ट बना रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉलम चार्ट है वो दिख ही रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए ये 78% दिख रहा है, बट एक्चुअली में क्या है, 0%, 0.78, समझे, तो इस कारण से नहीं दिख रहा है।
क्योंकि यहाँ 0 के आसपास आ गया, दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। इस जी केस में हमें सेकेंडरी एक्सिस चाहिए होता है। कैसे लाएंगे? सेम उसी तरह से चेन सीरीज चार्ट टाइप पे चले जाए किसी एक को सिलेक्ट करके, और यहाँ मुझे टारगेट की सेकेंडरी एक्सिस चाहिए, हमने क्लिक किया। और फिर इसको अगर सेकेंडरी एक्सिस लेते हो तो दोनों सेम चार्ट मत रखिएगा, वरना कुछ इस तरह से हो जाए। फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाइन चार्ट हो गया सर, डन। जी ओके, अभी 120 और 120 आ रहा है, अगर नहीं तो दोनों को चेंज कर लीजिए। समझ गए? जी अब चलिए चार्ट, ये तो चार्ट की ट्रिक्स की बात हुई। अब चार्ट के बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर और क्या चीजें की जा सकती है। तो मेरे पास बैंक का नेम है, और यहाँ पे बस मेरे पास मंथ है। बैंक की मंथ बाय सेल्स हमने यहाँ निकाला होगा। हमारे पास तीन चार बैंक है, जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे रैंक बिटवीन हमने यहाँ पे नंबर्स दे दिए। ठीक है, अब मुझे इनको चार्ट, इसको चार्ट में प्रेजेंट करना है। क्या करना है? चार्ट में प्रेजेंट करना करेंगे, जैसे कि वन यहाँ पे ना, 1 2 6, तो 1 2 6 को डबल करेंगे, 1 2 6 को जो है मल्टीप्लाई करोगे 3 से, मतलब 3 है ना, तो 1 है या 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो इसे छोटा है कि बड़ा है, छोटा है इसके नीचे डालो, बड़ा है करोगे 21 में से, एक और का मल्टीप्लीकेशन 1 कम जाए। तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ चार्ट पे गया, कोई एक चार्ट लेके ओके कर लिया। ओके किया, ओके करने के बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है कि SBI का कौन है। सॉरी, ये तो मंथ वाइज आ गया ना, हमें तो बैंक वाइज चाहिए ना, क्या यहाँ जी बैंक होना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे स्विच रो एंड कॉलम कर देता हूँ। अब आ गया सही, इसमें ब्लू कलर SBI का है, ये वाला कलर जो है पिंक, पिंक नहीं, इसे येलो, और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं केसरिया, भगवा केसरिया रंग है क्या, रे है। तो जी कलर से मुश्किल हो रहा है ना, तो कैसे ऐसा कुछ कैसे करेंगे, देखते हैं आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ स्टेट बैंक का है। तो दो तरीके, एक तो मैं इस पे ऐड डेटा लेबल कर देता हूँ, ठीक है, डेटा लेबल ऐड कर दिया। फिर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे गए, और यहाँ पे कैटेगरी नेम नहीं, यहाँ पे सीरीज नेम दे दिया। और इसकी जो वर्ड यहाँ पे, इसकी जो अलाइनमेंट है उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि तो फिर मैं मान लो HDFC को दूंगा तो क्रॉस कर जाएगा ना सर, या टेक्स्ट डायरेक्शन में हम ए वाला डायरेक्शन ले लेते हैं, 270 डिग्री वाला। ओके सर, जी अब SBI नंबर नहीं चाहिए तो वहां पे टिक मार्क हटा दीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी है हमारे पास, ठीक है ना? सर ऐसे है कि बारी बारी से सर करना पड़ेगा ऐसे जी ही हाँ, इस बारी बारी से सारे एक का? से एक सीरीज एक बार। जी उसके लिए फिर हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है, हम गूगल पे जाते हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ई गूगल, और मैं यहाँ पे HDFC बैंक लोगो, ठीक है, और ईमेल में जाता हूँ, एक लंबा वाला लोगो, जो लंबी वाले लोगो है ना, इसी लोगो को करता हूँ कॉपी, कॉपी इमेज, और फिर यहाँ पे एक्सेल पे आके हम करते हैं इसको पेस्ट। क्या करेंगे? पेस्ट। पेस्ट करने के बाद फिर जाते हैं, फिर यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने का पिक्चर फॉर्मेट, और करते हैं कॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैंक है ना सर फालतू में। हमने क्या कर दिया, सॉरी, क्रॉप कर दिया। और इस क्रॉप करने के बाद इसको करते हैं रोटेट, ये सही राइट।
और इसको यहां से करते हैं कॉपी, और हम सिलेक्ट करते हैं डीएफसी वाले को, राइट क्लिक, और चले जाते हैं फॉर्म में डेटा सीरीज, फिल में, फिल के अंदर आप देखेंगे पिक्चर्स दिखेंगे आपको, पिक्चर्स में यहाँ क्लिप बोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। बेटर लग रहा है सर क्या? जी। अब बोले सर बैंक था, लोगो था, हमने लगा दिया। मान लीजिए कि अगर पर्सनल वाइज नाम होता, हमारे मैनेजर्स वाइज नाम होता, क्या मैं यहाँ मैनेजर का फोटो लगा दूँ क्या? तो फोटो सही दिखेगा नहीं, लगाएंगे तो सही दिखेगा नहीं। तो जब नाम अगर ऐसे हो, जब नाम अगर ना हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उस केस में हमें इसमें जाना है, इंसर्ट के अंदर, इलस्ट्रेशंस के अंदर हम एक सैप्स लेंगे, या हाँ सैप भी ले सकते हैं, हाँ सैप। और इस बार जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या है, IDBI बैंक है, IDBI बैंक, ठीक है। तो छोटा बहुत बड़ा हो गया, छोटा करता हूँ, और इस पे लिखे हुए नाम की साइज को यहां से बड़ा करता हूँ, अलाइनमेंट भी करता हूँ और बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट एज ए पिक्चर, पिक्चर करने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर्स में यहाँ आते हैं रोटेट 90 डिग्री के एंगल पे, देन इसको कॉपी करते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्म में डेटा सीरीज, फिल, पिक्चर्स, क्लिप अच्छा बोर्ड, ठीक है, क्लिप बोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, समझ गए। तो जी, इस तरह चीजें आप कर सकते हैं। तो ये चार्ट की पहली क्लास है, कल हम चार्ट्स के अंदर कुछ और डिजाइन के बारे में जानेंगे, जी ठीक है सर, सर? जी मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर।